क्या हाल चाल हैं? ओए होए आंटी, आंटी को तो वाह वाह, सुबह सुबह क्या जबरदस्त मेहमान आए हैं हमारे घर। क्या हाल है आंटी, कैसी हैं आप? भाई माइक तो दे, जरा माइक है किसी के पास यहाँ पे? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अच्छे। आप ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या उम्र है आंटी आपकी, क्या उम्र होगी? 40 साल। अम्मा 40 की तो मैं हो जाऊंगी 4 साल बाद। आपको देखने के ऊपर नहीं, आपको देखने बहुत चली चाह रहे हैं। अल्लाह शुक्रिया अम्मा, अल्लाह आपको सेहत दे और आप जिए हजारों साल। 40 साल की तो हो गई है, 40 साल और जिए। और भाई बड़े अरसे के बाद बहुत ही एक क्या कहना चाहिए, बुजुर्ग खातून हमारे आई हैं और बहुत दुआएं देकर जाइएगा हमारी पूरी टीम को, ठीक है? और ये जो बुज़ुर्ग होते हैं ये घर की रौनक होते हैं, जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं होते वो घर जो है बहुत खाली खाली लगता है। और कहते हैं कि हर घर के जो हर घर का जो बड़ा होता है उसको अपने छोटों की, अपने बच्चों की बड़ी फिक्र होती है, वो बच्चों को एक साथ जमा करके रखना चाहते हैं और खुश रखना चाहते हैं। और बड़े बूढ़े हमेशा हमें एक ही दुआ देते हैं कि अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती दे। सेहत व तंदुरुस्ती की दुआ क्या है, हमेशा से सोचते थे हम कि ये क्या दुआ है, ये बड़े ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह दौलत दे, अल्लाह शोहरत दे, हैं ये क्यों कहते हैं कि सेहत व तंदुरुस्ती दे। तो जब हम बीमार होते हैं या किसी वजह से हम ठीक तरह से खा पी नहीं पाते या हमें बुखार हो जाता है, किसी भी किस्म की कोई बीमारी होती है, तब हमें एहसास होता है कि वाकई सेहत और तंदुरुस्ती क्या चीज़ है। और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हर माँ को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो भी अपने घर वालों को, ख़ासकर अपने बच्चों को जो कुछ खिला रही है, वो खाना जो है उसके लिए बेहतरीन ग़िज़ा हो और वो खाना उसके लिए किसी भी किस्म की कोई भी अमराज का बायस ना बने। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए सब्जियां हैं या फल हैं, फ्रूट्स हैं, दालें हैं, ये तमाम चीज़ें तो उगती हैं और आ जाती हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें मिलावट है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम खाना बनाते हैं और खाने में डालते हैं तो उन चीज़ों में बड़ी मिलावट होती है और फिर वो बनती हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बाइस। सबसे पहले तो मैदे को ख़राब करती हैं, मैदे के बाद जब मैदा आपका ख़राब है तो तमाम बीमारियाँ वहाँ से निकलती हैं। तो जी अपने बच्चों की अच्छी सेहत और नशोनुमा तंदुरुस्ती के लिए मैं तो यूज़ करती हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हैं डालडा, बचपन से नाम सुना हुआ है ना, जब हम छोटे से थे जब से अम्मी डालडा 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 करती आ रही हैं और हम खाते आ रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अम्मी से कहती थी कि अम्मी चाय के साथ एक पराठा बना दो, उसके ऊपर डालडा ज़रूर लगाइएगा, अलग से लगवा के और चाय पराठा खाते थे। तो जी क्या वजह है कि डालडा कुकिंग ऑयल मैं यूज़ करती हूँ अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने घर वालों की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए? क्योंकि उसमें है विटामिन ए डी और ई। क्या? ए डी और ई, जो कि हमारी हम जब खाते हैं हमारी ग़िज़ा में शामिल होकर हमें सेहतमंद रखते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं और जब हमारा इम्यून सिस्टम सही होता है तो कोई भी बीमारी हमारी तरफ आ ही नहीं सकती। तो जी आप लोग भी इस्तेमाल करें अगर चाहते हैं अपने घर वालों की, अपने बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती, तो डालडा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि खाना जो है वो खाना समझ के खाएँ प्लीज़। मेरी तरह नहीं कि जहाँ जो नजर आया खा लिया। भूख रख के खाएं, साफ सुथरा खाएं, डालडा में पका के खाएं और देखिएगा फिर के आपकी सेहत माशाल्लाह इंशाल्लाह हमेशा जिंदगी भर ऐसी रहेगी। और इसी तरह आप आंटी की तरह कहेंगे मैं भी 40 साल की हूँ। किसके साथ आई है वैसे ये, किसके साथ आई है? बेटी के साथ। अच्छा बेटी से भी बात करेंगे आपकी। अच्छा ये कुछ डालडा कुकिंग ऑयल के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स रखे हैं, ये मैं आपको दूंगी। मुझे बताएं कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि डालडा कुकिंग ऑयल में क्या क्या है, कौन से विटामिन शामिल हैं? ऐसे 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 कैसे, कोई एक हाथ उठा ले, ये इस बच्चे को देना। आज हमारे लड़के भी आए हुए हैं माशाल्लाह से। हाँ जी ए डी ई, ए डी ई तुमने सारे बता दिए, किसी दूसरे के लिए तो छोड़ देते।
चलो ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ, आ जाओ मेरे पास और लेके जाओ अपने गिफ्ट पर। मम्मी को देना ले आके। अच्छा जी, तो मैं ये गिफ्ट हैंपर हमें बहुत जितने भी हैं मैं कोशिश करूंगी कि अम्मा का दूंगी अम्मा को। मैंने सांस फूल गया मेरा। और जी छोटी सी ब्रेक लेंगे अब, और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ ऐसे मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं कि जो क्या कहें, जो आसमान पे सितारों की तरह चमक रहे हैं और उनकी चमक हमारे चारों तरफ है। खासकर जब हम टीवी लगाते हैं और जब हम सिनेमा जाते हैं तो वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। कभी कभी आर्टिस्ट की सूरत में, कभी डायरेक्टर की सूरत में, और आज हम उनके साथ साथ, सांस भूल गई भाई, उन लोगों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे रिश्ते जो कि बहुत ही प्यारे रिश्ते हैं, जो कि हैं भाई और बहन के रिश्ते। और जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं यकीनन भाई बहन भी बैठे हुए होंगे, है ना, आज लड़के नज़र आ रहे हैं मुझे, तो वो ज़रूर इंजॉय करेंगे इस शो को। तो आज हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज होने वाला है हमारे शो में कुछ नया, क्योंकि आने वाले हैं कुछ ऐसे गेस्ट जो कि पहले कभी नहीं आए। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तो सतरंगी में आज हो रही हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपके और हमारे घर में अक्सर होती रहती हैं, और वो हैं बहन भाई की बातें। बहन भाई एक दूसरे के जितने अच्छे दोस्त होते हैं उतना अच्छा दोस्त ज़िंदगी में हमें कभी कहीं नहीं मिलता। बहनें बहनों की दोस्त होती हैं, कहते हैं कि जी बहनों के दुख सांझे होते हैं, और भाई भाई अगर दो आपस में मिलके खड़े हो जाएं या भाई आपस में मिलके एक अपना हिसार बना लें तो दुनिया की कोई भी ताकत उनकी फैमिली तक पहुँच नहीं पाती। इतनी ताकत होती है भाई बहनों की मोहब्बत में। आपस में कितनी ही रंजिशें क्यों ना हो जाए, कितनी लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाए, तो बचपन से लड़ते ही आ रहे होते हैं। कौन सा ऐसा टाइम होता है जो बहन भाई आपस में लड़ते, लेकिन बहन भाइयों की जो मोहब्बत होती है वो हर ताकत पर हावी होती है, दुनिया की हर ताकत पर। और कहते हैं कि बदनसीब हैं वो लोग जो कि अपने खून के रिश्तों को पीछे छोड़कर और गैरों को अपनाते हैं और समझते हैं कि जैसे शायद यही हमारे अपने हैं। लेकिन कहते हैं कि अपना मारता है तो भी छांव में ही डालता है। तो अपने जो खून के रिश्ते होते हैं उन रिश्तों का निमूल बदल कभी जिंदगी में मिल ही नहीं सकता हमें। और आज हमारे शो पे ऐसे बहन भाई बुला रही हूँ मैं कि जो अपनी मिसाल आप हैं, हर फन मौला, आप उनसे जो काम करवा लें वो कर लेते हैं। पहली बार हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। सबसे पहले जिस गेस्ट को मैं बुला रही हूँ उसके बारे में आपको बताऊं कि जी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट के बेटे, ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि उनकी पूरी फैमिली ही अगर आप देखे जाएं तो फ़न से भरी पड़ी है, फ़न उनके ख़ानदान में भरा पड़ा है। बहुत अरसे से आप उनको देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन कुछ अरसे से उन्होंने ज़रा एक्टिंग को थोड़ा सा साइड पे करके डायरेक्शन पे बड़ी तवज्जो दी हुई है, और शदीद कामयाब फिल्में दी हैं उन्होंने, उनकी डायरेक्शन में हमने देखी हैं, उनकी प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में। तो आपकी बहुत सारी तालियों में ज़बरदस्त डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर यासर नवाज। तशरीफ रखिए यासिर। सलामुअलैकुम। कहाँ बैठना भाई? जहाँ दिल करे इधर आ जाओ। नहीं नहीं वो सीट से डर लगता है। बेचैन बैठ जा। बैठ जा, समझ गया। मैं उस एंगल में बैठ जाऊँ जहाँ पेट कम नजर आए। नहीं ये हमने ये रखी हुई है ना, इसको गोद में रखी भाई। ये हुई ना बात।
और भाई क्या कहूंगा, तूफान आ चुका है। नहीं क्या कहूंगा, तूफान आ रहा है, आने वाला है। अब एक और गेस्ट को मैं बुलाऊंगी अपनी, और उनके बारे में बताऊं कि अपना करियर स्टार्ट किया जैसी उन्होंने तो आते ही छा गई अपने ड्रामों से, और उनके ड्रामे आपने बड़े पसंद किए, मासी और मलका और इस तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे जिनको दोबारा चलाया जा रहा है, चैनल बार बार चला रहा है और हम लोग बार बार देख रहे हैं। और सिर्फ बेस्ट एक्ट्रेस नहीं है, मॉडल भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, सिंगर भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं विशाख। वो जगह अच्छी है। अच्छा अब लोग ये सोच रहे हैं मैं बहन भाइयों का शो कह रही हूँ और मैंने महवेश और यासर को बुला लिया। नहीं नहीं आप परेशान मत हो, अभी इनके बहन भाई भी आने वाले हैं और हमने आज बड़ा मजा करना है। कैसी हो महवेश? मैं ठीक भाई, वेलकम टू द शो। आप दोनों पहली बार हमारे शो पर आए थे, एक बार और जोरदार तालियां। हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि हम दोनों पहली बार आए शो में, पहली बार सवा साल में। ये भी कह रहे हैं कि मैं निदा के शो में बहुत गई हूँ, मगर मैं भी निदा के शो में ज्यादा गया हूँ तो अच्छा लग रहा है। देखो मुझे फील ना हो कि मैं निदा के शो में हूँ या मुझे वही चीज चाहिए। आकिफ आपकी बहुत तारीफ करते हैं और आकिफ कहते हैं कि चलना है बट कभी वो बिजी हो जाता है, कभी मैं बिजी हो जाता हूं, तो साल से यही चल रहा है कि हम आ नहीं पाए। बट आज का वो दिन है जब पहुंच गए। अच्छा और पता है आप, मेरा भाई मुझसे बड़ा नाराज होगा क्योंकि मैंने कहा था कि तुम दोनों को साथ बुलाएंगे, लेकिन अब बहने मैंने बुला ली ना, हमने क्या, मैं दानिश के साथ भी आऊंगी। अच्छा यासर बुलाया तो दानिश को है लेकिन दूसरे दानिश, ये सही है। यासर तुम्हारी तो मैंने पहले भी मैं साथ किया हुआ प्रोग्राम, लेकिन निदा के सेट पर निदा जब नहीं थी तब मैंने किया था और यासिर और दानिश को बुलाया था और बड़ा मजा आया था उस प्रोग्राम में, बड़े मजे किए थे हमने। इंशाल्लाह इसमें भी बहुत मजा आएगा, अभी दानिश को आने दें और आप लोग एंजॉय करेंगे। अच्छा यासिर ये बताओ कि अब कौन सी फिल्में और कितनी पाइपलाइन में है अभी जो करनी है? फिल्में तो मूवीज अब आगे कर रही, मूवीज है सीरियल किया अभी मैंने, खत्म किया अभी हफ्ता हुआ है, तुम कौन पिया एक सीरियल खत्म किया अभी, तो अब आगे मूवीज ही करनी है आगे। मैं भी यही हम बात कर, हमने बहुत बातें की है, मैं भी ऐसा तो नहीं कि सारी बातें वहीं खत्म हो गई, मुझे लग रहा है कि सारी बातें खत्म हो गई। अच्छा यार आगे मूवीज करनी है बस। ये मुझे बताओ कि डायरेक्शन में ज्यादा मजा आता है या एक्टिंग में? मुझे डायरेक्शन से ज्यादा मजा आता है, लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे दिल चाह रहा है कि मैं एक्टिंग करूं। और यासर कितने सालों बाद मैंने तुमसे एक्टिंग करवाई थी याद है? हां बहुत सालों, अब मेरा दिल चाह रहा है, उसके बाद ही दिल चाह गया मैं थोड़ी सी एक्टिंग करूं मैं भी साथ। आदमी जब एक्टिंग कर रहा होता है थोड़ा फिट भी रह रहा होता है, ख्याल कर रहा होता है अपने आप का, ये जरूर होता है। डायरेक्शन में आप छोड़ देते हैं अपने आप को, दूसरे काम बहुत होते हैं, दूसरे काम बहुत ज्यादा होते हैं, मेरी शेप बड़ी भी होती है, अजीब हालत होती है। अब मैं शायद करूंगा एक्टिंग किसी प्ले में। मैं विश तुम क्या क्या कर रही हो अब? दिल्लगी आफ्टर 2.5 ईयर्स मैं वापस एक ड्रामा सीरियल कर रही हूँ जो कि अभी पहली एपिसोड गई है, हुमायूं के साथ जो यस नदीम बेग ने डायरेक्ट किया है। और फिर मैं एक फिल्म कर रही हूँ एक्टर इन लॉ, उसकी शूटिंग भी चल रही है, वो फिजा और नबील बना रहे हैं, तो ये दो चीज़ें चल रही हैं अभी। मैं सर इंडिया की कोई मूवी कर रही हो? नहीं फिलहाल मैं कोई इंडिया की मूवी नहीं कर रही, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने पाकिस्तान की पाकिस्तानी मूवी कर रही हूँ और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा भाई निदा, अब निदा हेलो निदा, यासर आज मेरे पास है, निदा आज फोन करके बताओ क्या क्या सवाल करने हैं इससे। आज सब लोग मुझे ही देख रहे होंगे, निदा आज तुम रेटिंग से हाथ धो बैठोगी, मुझे अफसोस है निदा आज निदा रेटिंग से हाथ धो बैठेगी। भाई लोग मुझे देख रहे होंगे ना, जोर से ताली बजनी चाहिए। जब सोच जा रहे थे निदा के शो में तो कहते मैं सुबह निदा के शो में जा रहा था, मैं कहती हूँ अच्छा किस चीज पे शो है, कहते ये नहीं बताऊंगा तुम लोग की रेटिंग ज्यादा आएगी, मैंने कहा यार फॉरन पार्टी बदल लेते हैं। मैं तो सब बता दिया वहां क्या होगा। अच्छा जी महवेश और यासर हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों को कोई सवाल करना है इनसे तो प्लीज हाथ उठाइएगा और करिएगा जो भी सवाल है इनके। ये बताएं कि आज जो हम जैसे शो कर रहे हैं बहन भाइयों के रिश्ते पे, कैसा रिश्ता है? अच्छा यासर के तो माशाल्लाह डॉक्टर फराज साहब जो इनके बड़े भाई हैं, छोटे भाई सॉरी हमेशा बड़े ही कहती है और वो बड़ा नाराज होते हैं इस बात पे, जी आप मुझे क्यों बड़ा भाई कहती है, लगते बड़े यासर तुम छोटे लगते हैं वैसे, हमारे दानिश से छोटे, इतनी खुशी होती है ना। नहीं अब दानिश से छोटे नहीं लगते यासर, बोल देती है कौन सा छोटा है, कह रहा है बेचारा।
हाँ बोल देती। तो जी भाइयों के बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, कैसा अब कैसा शादी से पहले और काम से पहले, यानी आप अगर बात करें लड़कपन की बात करें, उस वक्त ज्यादा अच्छे रिश्ते होते थे या अब ज्यादा हो गए हैं अच्छे रिश्ते? अच्छा, पहली बात यह कि दानिश में और मुझ में कोई 4-5 साल का डिफरेंस है दोनों में एज का, लेकिन दानिश मुझे यासिर कहता है, मैं दानिश को दानिश कहता हूँ। अच्छा, वो हम हमेशा बचपन से वो दोस्तों की तरह रखा है। अच्छा, हम बात करते हैं आप करके बात करते हैं, आप खा लो, आप पी लो, आप ही कर लो, वो भी मुझे आप कहेगा, मैं भी उसको आप कह रहा होता हूँ। तो अजीब किस्म से हमारी, तो अगला कोई नया बंदा को सुनता है ये कैसी, जो छोटा भाई बड़ा भाई कह रहा है छोटे को कि आप ही खा लो, आप वो कर लो। हमने स्टार्ट किया था नादानियाँ, हाँ। तीनों ने मिलके मैं बहुत ड्रामा था। वो ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार ये घर में शूट होगा और हम इसको करेंगे, 1000-1200 एपिसोड्स करेंगे इसके और सही है ना, 4 पैसे आ रहे होंगे ना। अरे भाई 26 करना मेरे हमारे लिए अजाब हो गया, हमने लड़ाइयाँ मूड ऑफ, झगड़े, कॉमेडी चल रही है, मूड ऑफ हो गए हम दोनों के। तो दोस्तों वाला ज़्यादा ताल्लुक है हम दोनों का, बल्कि हम तीनों का, हम दोस्तों की तरह हैं सबके सब, लेकिन उसके बावजूद एक डिस्टेंस है बचपन से। ये नहीं कि हम प्राइवेट बातें भी डिस्कस कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स की बातें डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक मज़े का रिश्ता है हमारा, हम भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और एक डिस्टेंस भी है हमारे। महविश, तुम्हारा बहन के साथ, बहन भाई के साथ कैसा? दानिश और मुझ में कोई 3-3.5 साल का डिफरेंस है। तो दानिश और मैं तो भी, हमारे सारे फ्रेंड्स कॉमन हैं, सारा हमारा आना जाना साथ, तो वो हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट अफशीन इज़ ऑल्सो लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मेरी एक ही बहन है एंड एक जो बहन का बहन से रिलेशनशिप होता है वो बहुत करीबी होता है, क्योंकि आई लुक अप टू हर। और कुछ भी होता है मुझे तो मैं पूछती हूँ, उनसे मशवरा लेती हूँ, इवन सिंगिंग उन्होंने मुझे सिखाई है, जो भी मुझे आता है सिंगिंग में तो शी हैज़ टॉट मी। तो या कुछ मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूजन, आई गो अप टू हर एंड आस्क एंड शी हेल्प्स मी। तो वो एक बहुत हमारा बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा हम आपस में शेयर करते हैं भाई, बॉयफ्रेंड हम कर लेते हैं, शरीफ है ना, शरीफ लोग। कोई नहीं समझा मजे की बात है, ये बात धीरे धीरे समझी है। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, महविश के साथ मैंने काफी काम किया है और हमारा आपस में एक ऐसा मजाक है कि हम ऐसी कोई बात नहीं, जो किसी को समझ नहीं है लेकिन हम समझ लेते हैं। हमने साथ क्यों किया था, थोड़ी सी वफा चाहिए, थोड़ी सी वफा चाहिए, जो कि उस वक्त पाकिस्तान का नंबर वन अच्छा सीरियल था, मुझे मजा आया था करने में। मुझसे उन्होंने बड़े बुरे बुरे काम करवाए क्योंकि उसमें मैं नेगेटिव थी, नेगेटिव कैरेक्टर था, मुझे जो गालियां पड़ी लोगों से। अच्छा, लोग ये भी तो करते हैं कि चलते याद आ रही है मुझे, समझ गई, मैं समझ गई, शो देखा था, शो नहीं देखा, प्रोमो देखा था, प्रोमो देखा, शूट पे हम बैठे डिस्कस कर रहे, निधा भी अच्छी बनी थी वो, है अच्छी बनी थी, निधा भी सबने अच्छा किया। निधा को तो मैंने कहा था कि भाई तुमने सिर्फ अपने बाल ठीक करते रहने, बाल ठीक करते रहने, मैं भी यही करती रहती हूं ना, और निधा भी यही करती रहती है, बाल ठीक, शायद भी अच्छी थी वो, बार नीचे बैठ जाना, गिर जाना, शायस्ता तो सीढ़ी देनी, शायस्ता मुझसे मांग रही है सीढ़ी, तो मुझे देखना है क्या किया तुमने। अच्छा जी, यासिर और महविश हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी बहन और भाई को भी हम बुलाएंगे, हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और हम ये जोड़ीदारों को बुला ले, है ना, कर ले आप लोग घरेलू बातें सारी, घरेलू बातें हम पेट के सारे आग निकाल ले। नहीं नहीं नहीं, हम प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं, और बात कर रहे थे, मैं बड़ा दुखी हो गया था इस वक्त है, लेकिन बताना नहीं चाहिए, जमीरा को कितना बताना। अच्छा जी, ये पहले मुझे बताओ इतना दूर क्या रखा है आपने, ये लो भाई, ये लो, ये लो, नहीं नहीं, रखो रखो रखो, डालूंगा डालूंगा। अच्छा, इसमें बिल्कुल स्प्रे नहीं हुआ, जी खोल के खाओ। मैं ये समझ नहीं आ गया, इतना दूर आदमी, मेरा दिल चाह दो दवा उठने का, लेकिन मुश्किल से सेट हुआ हूं, सुस्ती इतनी है हमारे अंदर कि हम उठ ही नहीं सकते ना, मसला ही है। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि यासिर और महविश तो मौजूद हैं, जब तक ये लोग खाना पीना करते हैं हम इनके साथियों को, जोड़ीदारों को, बचपन के साथियों को बुलाते हैं जिनके साथ बचपन गुजरता है, घर में नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, छीना झपटी होती है, और यही प्यारे रिश्ते हैं जिन्होंने हमें एक दूसरे से बांधा हुआ है, और यही रिश्ते हैं दुनिया में असली कीमती रिश्ते जो कभी वापस नहीं मिलते। तो जी, सबसे पहले मैं महविश की बहन को बुलाऊंगी, बहुत खूबसूरत आवाज़, उससे भी खूबसूरत शख्सियत,
गाती हैं तो सुर बिखेरती हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में अफशीन हयात। निदा है माँ थोड़ी गिरा दिया सब गिर गया भैया अभी उठा ले फिर याद नहीं आएंगे। अच्छा, अब ये जो अब कर दो इसलिए मैंने हाथ मिक्स कर दो इसमें नहीं नहीं पता नहीं चलेगा किसने कौन सा खाया है। नहीं नहीं खाया बैठे प्लीज बल्कि आप दोनों इधर आ जाएं। हां मैं अपनी चाय उठा लूं। यार ये अजीब हमें गंद मचा दिया है। कोई बात नहीं ऐसे हम कर लेंगे साफ ब्रेक में आप आराम से बैठ जाएं टेंशन फ्री हो जाएं। ये आपका कहीं प्लान तो नहीं था कि स्टेट को बिगाड़ ये क्या बात है बहुत सारी चीजें और अब बारी है हमारे बहुत ही प्यारे उसको बुलाने से पहले मैं भी वहां बैठ गई भाई वो बहने वहां बिठाई है ना तो यार ये तो आप रोज बैठते नहीं साथ में उनको यहाँ तक पहुँचने में 4 साल लगेंगे। 4 साल छोटा है ना। 4 साल छोटा है। बहुत अच्छे आर्टिस्ट बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत ही अच्छे इंसान वो जहाँ आते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ हंसी और कह के ही बिखर जाते हैं। आपकी बहुत सारी तालियां में दानिश नवाज। आप बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ जी इस तरह क्यों आते हमेशा मेरे शो स्लो मोशन में आता हूँ ना हीरो की एंट्री स्लो मोशन में होती है। अच्छा बहुत स्मार्ट हो क्या कौन सी डाइट कर रहे हो यार है अब बहुत मोटा हुआ करता था मैं जहां से गुजरता लोग मुझे मोटा मोटा कहते थे पर अचानक एक आदमी ने मुझे इतना जलील किया उस दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं इसको पतला होके दिखाऊंगा फिर पतला हो गया पतले नहीं हुए तुम कम हुए हो फिट हो गए फिट फिट हो गए हो। हाँ अब आप क्या चाह रही हैं बिल्कुल ऐसे हो जाऊं ऐसा होता ना कि इंसान लगे कि पर्सनालिटी आ रही है ये किसका आपका मोबाइल है अब हमें अल्लाह की जमीन से यार ये मैं तो आपका ही बता दे पहले मैं चेक करता हूं मैं भी कब लिया मैं भी इसे जानबूझ के रखा है ताकि मैं अपना नंबर सेव कर लूं ये बुरी बात है। वैसे आज आप लोगों ने हमें अलग क्यों बुलाया कपल्स को भाई के नाम में इश जरूर इसलिए गलत फैमिली होगी। अच्छा गलत मैच करते हैं ना दानिश की बात कर रहे हैं इन दोनों के नाम में चाय छुपानी थी शो के दौरान नहीं नहीं पीला। अच्छा मैं ब्रेक में आगे मैं पी रहा हूँ सबके साथ रमजान का शो तो रमजान का शो तो वैसे इन दोनों बहनों में एक मेरे अंदर वाली चीज ना कॉमन है क्या मेरे नाम में भी नून आता है उसके नाम में नून आता है और फिर मेरे नाम में इश्क आता है और उसके नाम में भी इश्क आता है और मेरे भाई का नाम भी दानिश है तो आप मेरे लिए भाई हां भाई सारे जज्बात भाई भाई तो एक जोड़ डाले भाई तो एक है ना ऑलरेडी एक है एक है सारे साथ
मुझे अगर कोई बोलता है नानी कोई लड़की मुझे भाई बोलती है नानी, मैंने बोला भाई इतनी गहरी जिम्मेदारी में उठा नहीं सकता, इसलिए भाई का लफ्ज वापस ले लो। कौन ये जिम्मेदारी? खालासाद भाई भी तो होते हैं भाई। खालासाद भाई? हाँ। अच्छा ठीक, इस लेवल पे सोचा नहीं था मैं। कह रही थी मुझे जो है ना उनके सामने यासिर के सामने ना बहुत डर लगता है, तो मैं मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ। ये घबराहट पे हाल है। अच्छा यासिर तुम रोक ना दो भाई। अरे ऐसा वैसा है हंटर से उठाता है। चले बात कर लूं, पूछता है बात कर लूं भाई। हां फिर बात करता हूं। बात तो सारे मैंने तो नहीं पूछता। फिर कहता है भाई जाओ मिस में आई गो टू। किसी दिन रोक लेता तो फिर मेरा रोकना मुश्किल हो जाता। अच्छा अफशीन, मैविश रोग जमाती कभी है तो छोटी, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटे भी बड़े रोग जमाते बहुत है ना। सच बताना है, सच बताना है, झूठ झूठ बताना है, सच बताना है, झूठ बताना है। अच्छा कब कब रोग जमाती है और आप रोग में आ जाती हैं? लाडली है ना सबकी। हाँ। तो ये है कि वो बस भोली लड़कियां मुझे बचपन से ही प्यार करती हैं। अल्लाह दानिश तो अपने काम में लगा हुआ है। दानिश कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा। मौका मौका। हाँ मगर ये है कि जब इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो तो ये रोक जमाती है। रोक जमाती है ना, और आप आ जाती हैं रोक में? आप देख नहीं रहे जैसे ही इन्होंने बोला कि मुझ जैसी कोई मासूम लड़की सब यूं हो गए। पॉज आ गया प्रोग्राम में, लोगों ने चैनल वहाँ जिसके हाथ में रिमोट था वही था। मेरे तो मुंह में दर्द हो गया। जो बच्चा रो रहा था वही बच्चा रो रहा था। नहीं, रो रहा था वो बच्चा और चुप हो गया कि इतना सच एक साथ। शौक में आ गए। नहीं वैसी बात है कि मासूम तो है, नो डाउट। घर भी जाना है आपने, जाहिर है बाप। अच्छा हम आपको स्क्रीन पे कुछ चेहरे दिखाएंगे और आपने उन चेहरों को नसीहतें करनी है। चलो ये कोई एक नसीहत और करनी है, बस ज्यादा नहीं सोचना यासिर। अच्छा नसीहत है, ज्यादा नहीं सोचना है, बस हमने छोटो जो उनको देख के दिमाग में आया ना बस वही नसीहत कर देनी है। ठीक है तो जी पहली तस्वीर यासिर के लिए। ये क्या बात है, महविश? नहीं महविश नहीं है, आशा। अच्छी आशा खान कमिटमेंट का पक्का है मेरा भाई। कमिटमेंट का पक्का, जुमेरात की कमिटमेंट महविश के साथ है हर लड़की में। नहीं आयशा मेरे साथ दोबारा काम जल्दी करेगी इंशाल्लाह। नसीहत ये मैं अपना नसीहत कर रहा हूँ। अच्छा जी दूसरी तस्वीर दानिश। यार ये मेरी बारी एंड में लाते ना यार, ये अच्छा है यार, ताकि आप तुम वाले जगह बैठ गए ना, तुम तेज बंदे से ना पेट नजर ना आया, बेटा देखना दूसरी यार ये। और जी अगर आप गलत नसीहत करेंगे तो हमारे पास एक कौवा मौजूद है, ये बोलेगा। ये कौवा है ना, ये बताएगा। अच्छा। कि आपने गलत नसीहत की है जी। कपड़े देते हुए तस्वीरें कम खिंचवाएं। कपड़े डोनेट करते हुए तस्वीरें कम। तीसरी तस्वीर यासिर के लिए। बेगम नवाजिश अली। बेगम नवाजिश अली यार मैं इतना भंडा मारूं ऐसा ना घर ही आ सकूं मैं। ख्याल से ऐसा ना बाद में मिनिस्टरों के फोन आ रहे हो आप। अब कोई नई चीज आनी चाहिए। हा? अब कोई नई चीज आनी चाहिए। नई चीज आनी चाहिए। हाँ नई चीज आनी चाहिए। चले जी तीन यासर की पिक्चर्स पूरी हो गई हैं। दानिश तीन थी। तीन थी। हाँ शुक्र अब दानिश की बारी थी। दानिश की पिक्चर्स दिखाएं। हाँ मुझे वाकई लगा 11 बजे तक मैं सिर्फ तस्वीरों के बारे में बोलता रहूंगा। यार ये गलत तो स्वाद नहीं हो गया क्योंकि सारे मेरे दोस्त गलत सलत। इसीलिए तुम दोस्तों को अच्छी नसीहतें करोगी ना इसलिए। हां मैं भी सीधा नहीं गई। नहीं आपके लिए। अच्छा गुड ह्यूमन बीइंग और नसीहत करो तारीफ भी तो कर दूं थोड़ी सी यार, अच्छा दोस्त है। अच्छा चलो। हां यार ये बंदा इतना पॉजिटिव है तो मैं तो ये कहूंगा भाई कभी कभी थोड़ा नेगेटिव होके भी काम कर। भाई टू नंबर। ओ फवाद कैसा है तू?
फवाद को मैं कहूंगा भाई पाकिस्तान के लिए भी किसी फिल्म में काम करो ताकि फिल्म हमारी भी ऊपर जाए। बहुत अच्छी नसीहत है भाई, अभी तक कमा नहीं बोला, तीनों नसीहत सारी नसीहत सही जा रही है। नेक्स्ट, आप ये कव्वे को याद दिला रही है मुझे लग रहा है। ओए ओए, अरे हुमायूं भाई नए टैलेंट को भी चांस दीजिए। ये याद दिलाया ना, याद दिलाया, ये जवाब ही नहीं सुना। नए टैलेंट्स को चांस देने का मतलब, अच्छा तो बताया कि भाई मॉर्निंग शो में आए हो, कोई और नसीहत, इसका मतलब वो नए टैलेंट को चांस देते हैं। अच्छा, हां पता नहीं नजर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा नहीं नहीं कोई और नसीहत ये कि हुमायूं भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, नए राइटर को चांस दें, कुछ तो क्या करूं, कुछ चलो सही है क्या करूं। नेविश की महविश की एक अच्छी बात है, सच बोलती है। ये कौन है? ये लैला। नहीं नहीं वो है लैला, फिल्म स्टार लैला। नहीं नहीं मैं इनके बारे में क्या मशवरा दूं, इनको मैं जानती ही नहीं। वैसे तो जानती हो ना फिल्म स्टार, लेकिन आप जब किसी को वैसे जानते हैं ना उसको नसीहत नहीं कर सकते, वैसे दोस्त नहीं है ना। हाँ, हाँ लेकिन फिर भी देख के पता तो चलता है। बोलो, आई वुड स्किप। चले नेक्स्ट दिखाए। महानूर बलोच, I think she has stopped working. काफी अरसे से वो काम नहीं कर रही है। उनको काम करना चाहिए। She should, yes, definitely. बिल्कुल ठीक। Next, मतीरा। ये। मतीरा को मैं ये advice दूँगी। सबके दिल में होगा, कुछ ना कुछ बोले। सबके दिल में। मतीरा को इतना कुछ पता है। अच्छा एक काम करें, आप मतीरा के लिए सोचे, हम एक ब्रेक से होकर वापस आते हैं। ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हम दिखा रहे हैं आज आपको भाई और बहनों के रिश्ते और उनकी सोच जो भी आपने देखी। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। पुराना किस्सा कुछ याद है एक दूसरे का, कि कोई ऐसा किस्सा जो है बड़ा मजेदार हो? पढ़ाई से रिलेटेड बता। मैंने तो दानिश को अब्बा के हाथों पिटवाया था, पता है? और बेल्ट से मार पड़ी थी, बेल्ट से। अल्लाह, अच्छा ऐसे उसको पिटवाना नहीं कहते, वो अच्छा खासा तशद्दुद था। मतलब वो बाल पकड़ के जो मैं दीवारों पे सर लगाया ना, हुआ क्या, मैं और मेरे दोस्त हैं राणा रिजवान, हम जाते थे गिटार सीखने। तो अच्छा मजे की बात है, वो ऐसी जगह थी जहाँ पर गाड़ियाँ शायद ही आती जाती हूँ, झील पा के बैक साइड का इलाका, तो वहाँ हम गिटार सीखने जाते थे। तो मैं और राणा रिजवान जो है हम गाड़ी में पीछे बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और टाइमिंग ऐसी बनी कि एक बंदा झील पार्क से पीछे गली में आ रहा है और यहाँ से मेरी गाड़ी जा रही है, और उन्होंने देखा कि मैं यहाँ गिटार सीखने आता हूँ। टाइमिंग ऐसी बनी, यहाँ से राइट टर्न हो, और ये भाई उनके दोस्त थे जो आजकल हॉलैंड में सिगरेट पी रहे हैं, वो उसको सिगरेट जाके दे रहा है, वो उसको सिगरेट जाके दे रहा है, मजे सिगरेट पी रहे हैं आगे ना। ये सेवन क्लास में मैंने देखा ना, ये दानिश क्या कर रहा है, और टाइमिंग लाइटर वो उसको दे रहा है, चेहरा भी नजर आ गया। हाँ हाँ, पूरा एक फ्रेम चलता हुआ फ्रेम बनाया यार। ये तो काम, अगर ये होता ना दो मिनट बाद ही आता, मैं निकल जाता, या मैं निकल जाता फिर ही आता, बच सकते थे, लेकिन वो टाइमिंग नहीं, मैं तो निकल गया ना, मैं कहा आज तो, आज तो मौका मिला। मवाद आता है। मैंने जाते अपने, अब हमने अब्बू को बताया जाके, मैंने भाई यही हो रहा था झील पार के पीछे, और क्या नाम है दोस्त का? हरमान। हरमान, हाँ हरमान और दानिश। उन्होंने कहाँ पे, मैं कहा यहाँ। बोला अच्छा अच्छा, खैर भाई हमने दानिश साहब आए तो बोला यहाँ से दरवाजा बंद करो, मैंने कुंडी लगाई जाके। हम क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, सिगरेट पी रहा था, नहीं तो नीचे जो गिरा है आज तक मेरे कानों में। अच्छा ये खैर दो चार पिटे, बोले बुलाओ, जाओ उसको दोस्त को बुला कर आओ। मैं भी चला गया दोस्त को बुला, मैं फुल मूड में बैठा हुआ था, दोस्त को आवाज ही, वो जी आसिफ भाई मैं जरा घर आए। अच्छा वो भी घर आ गए। अच्छा जब दोस्त ने देखा कि इसको मार पड़ रही है, तो कहता है अंकल अंकल मेरे दोस्त को ना मारे, बोलेगा ना मारे, दो थप्पड़े उसको मारे, हीरो बन रहा है, फिल्म चल रही है, दोस्त को ना मारे। बड़ी भाई आधा घंटे तक भाई पिटते रहे, काफी ठीक ठाक रेसलिंग हुई। तुम्हें कब पता था कि यासिर की कारस्तानी थी सारी? नहीं मैं सामने बैठा, मैं तो उछल उछल के बता रहा था कि मैंने बताया। देखिए दो भाइयों को मैं फायदा ये होता है कि अपने इतने भी मामला शेयर मत करोगे ताकि बाद में चुगली ना लगे। तो कभी भाई ने अपने कोई मामला तुमसे शेयर किए नहीं, डिस्टेंस था एज का, तो चुगली लग गई। सीन ये है कि ये तो यासर का पॉइंट था ना, हम लोग जब दोस्त निकले सिगरेट पीने तो बहुत सारी टॉफियां नहीं, और जिंदगी में पहली दफा सिगरेट लिया, और पहले झील पार्क गए, वहां का माहौल जरा हमें पसंद नहीं आया। वहां से बाहर निकले रोड पर आए, और मैं कैसा
कैसा गाफिल भाई था, मुझे ये नहीं पता कि मेरा भाई यहाँ गिटार सीखने जा रहा है। भाइयों अपने भाइयों और रिश्तेदारों के बारे में पता रखो, खराब ना हो एक ही दिन। वो दिन मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन था। उस दिन हमारे मोहल्ले में एक लड़की रहती थी, उसके साथ भी अपनी बहुत सारी बातें की, पहली दफा उसने भी लिफ्ट कराई। और मैं जब घर पहुंचा तो घर का माहौल बिल्कुल एक सन्नाटा छाया हुआ था, एक कहीं अलग से धुआं सा उठ रहा था। अब्बा हमारे और एक चाबुक की आवाज आ रही थी, पटाक सरकारी चैनल पे टीवी देख रहे थे, पूरा ड्रामा देखा, स्क्रॉल पड़े, डायरेक्टर का नाम पढ़ा, फिर उठ के मेरे पास आके बैठे। यासिर को सिर्फ इशारा किया, यासिर जादू से दरवाजे तक पहुंचा और कुंडी लगा। उसके बाद अब्बू ने मुझे कॉलर से और बेल्ट से पकड़ के ऐसे किया, जीव करके फेंका, मैं उड़ता हुआ एकदम ना, जैसे आजकल इंडियन फिल्म में हमारी तो कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद यासिर ने अब्बू ने कहा भाई हेरमान दिलाओ। हेरमान वो मेरा दोस्त है, दिल कर रहा है उसको कमीना बोलूं लेकिन शो है, बोल नहीं सकता। जब बुलाओ उसको, हेरमान रोटी खा रहा, हेरमान पुप्पी आई है, हेरमान यार अभी आई, अम्मी मना कर रही है, ये क्या हेरमान जी यासिर भाई अब्बू बुला रहे, ओके बोला। दोस्त के बुलाने पे तू कभी सीधा नहीं आया, लेकिन वो आया तो सुख का सांस मिला क्योंकि अब्बू ने ब्रेक लिया मेरे को पीटने से। उसको पीटना शुरू, लेकिन बड़ा पिटा, तेरी यहाँ खत्म नहीं हुई, फिर उसके अब्बू अम्मी आए तुम्हें पीटने के लिए। अरे भाई वो सिगरेट, आप यकीन करो अच्छी बात ये हुई कि मैं आज तक सिगरेट नहीं पीता, और उस सिगरेट ने जो जो पिटाइयां कराई हमारी, फिर उसके बाद उसके अम्मी अब्बू आए, फिर उनको पीटा। बहुत दूर तक ये किस्सा चला। एक सिगरेट से क्या क्या शैतानी काम हुए देखें जरा। कौन सी क्लास में थे तुम? सेवेंथ। तो फिर सही मार पड़ी, सेवेंथ क्लास के बच्चे को सिगरेट पीते हैं। देखो ना उस वक्त पता नहीं था बाजी, जब पता लगा तो बहुत उस वक्त तक अंधेरा छा चुका था। अब तो अब दानिश के आगे सिगरेट रखो ना तो एक फ्लैशबैक लगता है, जैसे रॉन्ग नंबर में लगा ना फ्लैशबैक, रॉन्ग नंबर में तो नहीं भाई मैंने छोड़ दिए। जैसे उन्होंने शुरू में कहा था ना हम शेयर नहीं करते ज्यादा, तो अब मुझे समझ आया कि क्यों नहीं शेयर करते, कि सिर्फ पिट पाया था ना शुरू में, ज्यादा से सोचा उन्होंने बहुत लोग बचाते हैं एक दूसरे को पिटने से। देखो बहने और भाई अलग अलग होते हैं ना, फायदे बनता ना, फायदे बनता। हमने मैंने सिगरेट नहीं पी कभी, तो मैंने भी ये क्यों पिएगा, अकेला एंजॉय कर रहा है। अच्छा वो एज वही होती है सिगरेट, जो बच्चे और जो ये सेवेंथ एट वाली जो एज होती है ना वहाँ शुरू होती है। तो मैं मशवरा दूंगा कि जो भाई दूसरे भाई को सिगरेट पीता हुआ देखे उसका जरूर कंप्लेन करे, बिटवाए उसका मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और, जो दिल को तसल्ली मिलती है वो काम होती है। अच्छा जी यहाँ पे ये सामने हमारे दो बोर्ड रखे हुए, और मैं चाहूंगी कि यासिर आज तुम अपने प्यारे भाई की तस्वीर बनाओ खूबसूरत सी, हैं? और महविश बनाए या महविश की बहन से बनवाए, महविश से बनवाते हैं, आ जाओ महविश, आ जाओ यासिर, बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। और काशी भाई जब तक ये लोग पिक्चर बना रहे हैं आप अच्छा सा गाना सुना दीजिए आज। काशी भाई कोई ऐसा गाना सुना जिसकी आवाज ना आए। जिसकी आवाज ना आए। हाँ जी और पता लगे मैं महविश तस्वीर बना रहा हूँ, महविश मेरी बना रही सबके लिए।
कुछ मिले करना नहीं फिर तुम शिकवे गिले लेके जाती है लेके जाती है हमेशा दोस्ती दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती है तेरे लिए मेरे लिए सबके लिए दोस्ती दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती जब आपके हाथ में एक चीज आई गई थी मेरे लिए कुछ अच्छा बनाने सलमान खान बना देते आइए जरा आप भी आइए आप तो आधी अधूरी आधी अधूरी उन्होंने कपड़ों के डिजाइन पे ज्यादा तवज्जो दी है ये फूल बने शक्ल से ज्यादा ध्यान कपड़ों पे दिया है इधर आने से कपड़े पे इजी था ध्यान देना दिखाइए जरा तस्वीर लग रहा है अब सी सिगरेट पी रही है नहीं लग रहा है बोटॉक्स करा है पाउट बोटॉक्स करवाए है दैट्स द पाउट रोई तो हां जी क्या कह रहे हैं अच्छा और इसी हंसते खेलते बना दिया और ये नाक भी बह रही है मैं नाक भी बह रही हूँ नाक बह रही है तारिश की नाक बह रही है तारिश को कैसे जुकाम हुआ है इसमें मेरा भी दिल कर रहा है कमीज उतार दूं लेकिन नैन छोटी सी ब्रेक है ये ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहेगा देखते रहेगा सतरंगी सतरंगी किसी भी प्रोजेक्ट का कैप्टन होता है उसका डायरेक्टर क्या ही बात है जब वो डायरेक्टर हो एक परफेक्ट एक्टर यासिन नवाज को देखकर लगता है कि स्क्रीन परफेक्शन की अगर कोई मिसाल है तो वो खुद यासिर ही हैं। अब चाहे वो ड्रामे हो या फिल्म्स, इन जैसी डायरेक्शन हर एक के बस की बात नहीं तो मुझे तलाक क्यों दे रहे हो यासिर तलाक दे नहीं रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ भाई लिखने से भी तलाक हो जाती है अबे यार मैं पायलट लिख रहा हूँ ये देख यासिर नवाज के इंटरनेशनल स्टाइल डायरेक्शन और क्यूट सी एक्टिंग ने तमाम पाकिस्तानियों के दिल में जगह बना ली है और न सिर्फ सतरंगी बल्कि पूरे पाकिस्तान को यासिर के काम पर फख्र है शफीन और महविश हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े मज़े मज़े की बातें भी हो रही हैं गेम्स भी हो रहे हैं एक और हमारे पास एक्टिविटी है और वो कुछ यूँ है कि हमने कुछ सवालात किए हैं दानिश से और उसका जवाब आपने देने अब हम देखते हैं कि आप दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है और आपके साथ भी यही होने वाला है आपके साथ भी सेम यही होने वाला है तो फिर यासिर से शुरू करें ये क्या बात यासिर ये क्या बात आज आज उल्टा अच्छा चलो कोई बात नहीं चलो शुरू करते हैं मजाक कर रहा हूं सही है ठीक है अच्छा
आपसे जवाब मैं पूछूंगी और इनके जवाब हम ले चुके हैं, अब देखते हैं आप अपनी बहन को कितना जानती हैं। चलो ठीक है, ओके लेट्स सी। महविश का पसंदीदा कलर कौन सा है, फेवरेट कलर? ये कलर कलर ये ब्राउन नहीं है। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये कलर इसको मुझे बता, इसको रेड कलर पसंद है और व्हाइट पसंद है। जवाब दो, रेड एंड व्हाइट। महविश किन चीजों पर फजूल खर्ची करती है? सच बताना है, झूठ बताना? सच सच सच। मेरी हर दफा ये क्यों पूछती है? मुझे आइडिया हो जाएगा जवाब क्या देना। जो मर्जी आए, कुछ गलत भी होना चाहिए। नहीं वैसे जैसे जैसे कि अम्मी ने बताया है मुझे हमेशा से कि ये जब इसको कोई चीज पसंद आ जाए तो बस ये फिर नहीं सुनती किसी की भी, खर्च कर देती कोई भी चीज। खैर हाँ, शॉपिंग पे जाती है तो बड़ी बड़ी मुश्किल होती है इसको हैंडल करना। हर चीज सही लिख, बिल्कुल ठीक बोला है। सॉरी महविश, आई एम महविश को खाने में कौन सा डिश पसंद है? महविश को खाने में क्या पसंद है? टीमा हरी मिर्ची। Yes, correct, correct. और क्या? बाकी सब चीजें पसंद है मुझे वैसे। अच्छा जी, वैसे जवाब दुरुस्त है, कीमा लिखा हुआ है लेकिन बिरयानी भी थी भाई। बिरयानी में डाइट कौन सी? चले ज्यादा खुश नहीं हूँ, आपकी बारी है। I am dead. हाँ जी, अफशीन के अपने गाए हुए गानों में उनका पसंदीदा गाना कौन सा है? अपने गाए फेवरेट सॉन्ग जो उन्होंने खुद गाए, जो मेरे अपने गाने, उनमें से फेवरेट, उनमें से फेवरेट सॉन्ग जो अभी आपने गाया था, क्या नाम है उसका? बड़ा अफसोस की बात हो गई। लड़का करार तू, मौसम बहार तू, राइट? आजा सोनिया, यस। अफशीन को किस बात पर गुस्सा आता है? वैसे इनको गुस्सा बहुत कम आता है। मैंने यही बोला था, मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या लिखा है। क्या हो रहा? लेकिन डिटेल बता। इन्हें गुस्सा बहुत कम आता है लेकिन जब आता है, क्योंकि टोरियन है तो ये तो बुल की तरह हो जाती है, बस फिर ये ना आओ देखती है ना ताओ, ये बस धुन। लेकिन बस किस बात पे आता है? यूजुअली वैसे किसी भी बात पे आ जाता है। तो आई कांट रियली से। जवाब गलत हो रहा है, गलत बात पर गुस्सा आता है भाई। किसको सही बात पर गुस्सा? गुस्सा तो आता ही है। ये तो अंडरस्टूड है, सही बात है, मैं गुस्सा करूंगा। आप सिग्नल पे खड़े होते हैं और सिग्नल जो है वो बंद होता है और आपको जल्दी होती है और आगे वाला खड़ा होता है, जबकि गाड़ी कोई नहीं जा रही, तो आपको उस पर गुस्सा आ रहा होता है कि भाई चल पड़, अगर गाड़ी नहीं है तो चल पड़। ये तो सही बात, तो गुस्सा आया ना। बिल्कुल सही है, ये इस पॉइंट से हमने सोचा नहीं था। अफशीन की फेवरेट जगह कौन सी आउटिंग के लिए? फेवरेट जगह आउटिंग के लिए, हम वैसे जब भी प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए तो हम यूजुअली थाईलैंड चूज करते हैं डेस्टिनेशन। वैसे हमें साउथ अफ्रीका भी बहुत पसंद है, बट थाईलैंड इज मोर कन्वीनियंट। थाईलैंड एंड या यूएस? लेकिन जवाब दुरुस्त है भाई, हमारे बुड्ढे को अब मौका मिलेगा हंसने का, हमारे बुड्ढे को अब हंसने का मौका मिलेगा, है ना? दादी आप बुड्ढा बोल रही हैं। चंगे तरह समझा देती पहले, किसी बारी है? पहले आपकी बारी है, आप जाहिर है, आप बताएं पहले आप सब। हाँ बुझे बुझे। चलो ठीक है, दारिश की कौन सी आदत से आपको सबसे ज्यादा चिढ़ है? हर आदत। कोई भी नहीं। वो जज्बाती हो रहा था बहुत ज्यादा। कब कब? ये तो सोचने भी नहीं दिया यार, ये महविश, ये तुम लोगों का बिठाया गुड्डा है ना, वहाँ हंसा नहीं हो। एक बार जरा फिर सोच लो, किस बात पर आपसे आपको चिढ़ है? दानिश की? हाँ यही दानिश। मैं हंस भाई हंस।
अब ये चुप करे तो मैं बोलूं। शूट पे नखरे बहुत करता है। अच्छा। अब याद आया यार। लेकिन जज्बाती वाली बात ज्यादा सही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था। अच्छा, अब तो हो गया। दानिश के किस रंग के कपड़े पहनना, दानिश को कौन से रंग के कपड़े पहनना पसंद है? ब्लू। हाँ, ब्लू। अच्छा, ब्लू बोला ऐसे? ब्लू बोला ऐसा है जैसे 50% है? मैंने दुपल ब्लू टिक्की पहन कर आया ना, ब्लू मेरा ब्लू। हालांकि पिंक पसंद है मुझे। शॉकिंग पिंक। दानिश के लिए घर में खास तौर पे कौन सी डिश बनाई जाती है? कढ़ाई। हाँ, जवाब दुरुस्त भाई। एक एक दफा ऐसा, एक दफा आप पर, एक दफा इन पे अभी तक। नौशीन पे नहीं ऐसा ना वो? नौशीन नौशीन ये प्यार से नौशीन बुलाता है आपको। मैंने सीक्रेट नाम रखा है नौशीन। नौशीन अफशीन अफशीन। अच्छा जी, आपकी बारी है दानिश। अच्छा, यासर का ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे वो हर बात शेयर करते हैं? राणा रिजवान। बकवास नहीं करो। तो मैं भी आपको नहीं यार, अभी मैं बताने ही वाला था। हसन जिया, हसन जिया। जवाब दोस्त है। यासिर किन चीजों पर फजूल खर्ची करता है? यासिर वैसे माशाल्लाह बहुत सारी चीजों पर फजूल खर्ची करता है, खासतौर पर अपनी डाइटिंग पर। लेकिन शूज मेरे ख्याल से बोले गए कपड़े। जेब में होते मैं फजूल खर्ची करता हूं। इन्होंने कहा जितना जेब में होते मैं खर्च करता ही रहता हूं। यासिर का पसंदीदा रंग है ब्लू। गलत जवाब। हंसो जी, खोल के हंसो। ब्लैक। दोबारा दोबारा। ये हंस रहा है, हंस रहा है। असली वाला गुड्डा होता तो रोता ही रहता, चुप कराना मुश्किल होता। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। और जी, हम सेल्फियां ले रहे हैं काफी देर से। मैं महविश के लिए गाना गाना चाह रहा हूँ। किसके लिए? महविश के लिए। महविश तुम्हारे में बहुत किन्ना सोना, सब सुन ले गाना। किन्ना सोना मैनू रब ने बनाया, तेरे लिए तेरा जी करे मैनू ले जा। तो क्या हम वापस आ गए ब्रेक? एक्चुअली बाकी और बहुत शौक हो रहा है गाने का और एक्टिंग का, तो मेरे पास एक और चीज है आपके गाने और एक्टिंग के लिए। क्या? मैं असल में अफशीन का गाना सुनना चाहता हूं। आप ठीक है? बल्कि मैं निकाल दूं या आप निकालेंगे? और फिर उसमें जो कुछ भी आएगा आपको इशारों से बताना। अरे इशारे करने में तो अपन बच्चे हैं। चलो, अरे बीच में ट्रैफिक, इधर हम, इधर पुलिस वाला, वो बालकनी में, फिर भी इशारे। बताएगा कौन? क्या इधर कौन? अच्छा, मैं नहीं पढ़ूं। अच्छा, मेरे पास आओ, मैं पढ़ूंगा, आप लोग बताओ। अच्छा गाना उस वक्त आया जब हम लोग बहुत छोटे होते थे और ये स्टेप आज तक चल रहा है। जैसे शाजिया खुश्क का गाना चलता है और वो कभी से तरी काली चलता है, उसी तरह ये गाना भी इतना ही हिट है। उसमें सिर्फ एक्शन करो तो पता लग जाएगा। हाँ, ये वो है नहीं। क्या बात है भाई। क्या बात है दानिश, हमारी फिल्मों में जब आइटम नंबर होता है तो लोग बड़ा नाराज होते हैं, तो जो लोग नाराज होते हैं मैं उसको कहूंगा भाई अब बर्दो से कराओ आइटम नंबर। आज मैं
यकीन करो कसम से मैं घर से सोच के आया था आज मैं संजीदा बातें करूंगा। प्लीज आईना मेरे कोई शो में बुलाया तो ये बोल के बुलाया यार, सीरियस रहना आपने। भाई अब आपकी बारी है। हम जीत गए, जीत गए ये गेम, हम जीत गए। बहुत आसान है, आसान है तो फिर रहने दो। बता सकती हो यार, ये तो बड़ा मसला है यार, मेरे लिए मुश्किल। क्यों चलिए, ये तो नहीं है, ये तो ये होता तो इजी था, इजी था तो वैसे अगर अगर स्टेप नहीं आ रहा तो वैसे मैं तो हार्वर्ड से हूं। ओके, वर्ड नहीं, इशारे से। सॉरी, हां ये क्या अच्छा खासा बच्ची यार, कोशिश कर रही थी यार, इनको डिस्क्रिमिनेशन यार। आ जाएगा, आ जाएगा। क्या डांस दिखा रही थी तुम? हां अरे यार, तुम आप तुम तू 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 ओके ओके, कीवर्ड बता रही हूं। किस कीवर्ड? ओके, इतनी सारी चीजें एक साथ बता दी उसने। जहाज, गाड़ी, गाड़ी, मिरर, टाइम, फ्लाइट, लेट हो रहे हैं, घड़ी, पिक्चर्स, फ्रेम, सर्कल बने हुए हैं, कलाम, गाड़ी, सर्कल, गाड़ी, ड्राइविंग, दायरा, नहीं दायरे। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसकी बात भी की थी, साल भी दी थी, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बात की थी। हाँ, इतने तो बहुत सारी बातें की। अच्छा तुम यार, ओके, कार। अच्छा है गाना ये? हाँ। मैं तुम चांदनी रात गाए जा रहे, हम तुम होंगे बादल होगा। गाड़ी, गाड़ी तो है ना यार इसमें। अच्छा कार है, कार है ना, ये बता बता भी नहीं रहा है, कार है। ये भी बता दो, सही बात। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, ये गाना है तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़। यार आप यकीन करो, मैं चार बार सिग्नल तोड़ा है मैं भी, मतलब पूरा शो भी होता था नहीं बता पाता। चलो सिग्नल तोड़े दोबारा यार, सिर्फ कैसे खेलती लग रहा है क्या तेरे लिए सिग्नल तोड़ ताड़ गया क्या क्या आ गया तालियां यासर के लिए बहुत सारी। यासर एक ही स्टेप है बस, एक ही स्टेप है, स्टेप नहीं आता उसका। अच्छा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्ची, बच्ची बच्ची, छोटी बेटी, बेटी लड़की, बेटी गुड़िया, मुन्नी डॉल, डॉल मुन्नी बदनाम हुई। याद हमें भी, याद हो, एक दम फिर हो गया यार, एक दम फिर यार, अब दूसरी साइड कर लेना। बदनाम हुआ, ये भी म्यूजिक पूरा करके छोड़ दे, नहीं बंदा बीच में ही होता है। कितना आसान गाना है। अच्छा और सोच ऐसे रही, मेरा भी आसान, आपको तो मेरा भी आसान, सोच तो आप ऐसे रहे, ज्योग्राफी का सवाल आ गया, करना नहीं था इसलिए आसान लग रहा था। चलें कम, तुम सब इसी तरफ ही चला, मेरी तरफ भी करो। ओके तू, थैंक यू, तू तू ही मेरे दोनों नैना, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तेरे मस्त मस्त दुनिया। एक बारी और दानिश, भाई मेरे से मेरा आपने इशारा करते ही ना आपने लोग समझ गए। और जिसने संगीत बताया अभी, अब मुश्किल हो जाएगा, सही परफॉर्म नहीं किया वो उठक बैठक लगाएगा, उठक बैठक कान पकड़ गए। चलो जरा इसका बड़ा आसान आ रहा है, चला का। मोरनी नहीं, ये क्या, ये देखो जिस तरह का पंछी बनूं, देखो मैं अगर उसकी नकल करूंगा जिसने ये गाना गाया है तो वहां यहां से शुरू होगा। बाजीराव का तो नहीं है, मैं
दीपिका नहीं बहुत मुश्किल है यार। नजर जो नहीं नहीं इस गाने की हिंट ये है कि अब्बू और बेटे ने एक साथ गाया था। यार क्या हाँ वो है ना अमिताभ और ऐश्वर्या और अभिषेक कजरारे कुछ भी हो रहा हो म्यूजिक कोई भी कजरारे चल रहा हो या कोई गजल म्यूजिक यही वाला बजेगा शादी वाला और सब आंखें बंद कर देते गाना बजाते हुए कि भाई भाई रुक भी जाओ शो खत्म। Okay, I hope it's an easier one. मैं भी अगर सही परफॉर्म नहीं किया उठक बैठक लगा लूंगा। हां यस बहुत आसान है। हां चलो ओके इट्स वेरी इजी राइट शुक्र है। हां दोबारा अच्छा हुन दबंग 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 यस लुंगी डांस हां लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस आपका लुंगी बांधने वाला डैम मैंने मिस कर दिया जरा एक बार हेकड़ो बारे भी हो अगर ये अच्छा था वापस आ चुके हैं और आपने भी देखा कि हमने आपको बहन भाइयों की कंपैटिबिलिटी और मुझे ऐसा लगता है शायद बहन भाइयों से ज्यादा दोस्ती अहम होती है क्योंकि यहाँ पे दो दोस्त हैं अपने बहनों और भाइयों को छोड़ के अपनी घरेलू बातों में लग गए भाई क्या हो रहा है ये घरेलू बातें शुरू हो गई है यहाँ पर यासर को स्पेस दे रहा था मैं देखिए ये भी एक अच्छे भाई की निशानी होती है ये भी एक अच्छे भाई की निशानी होती है लेकिन यासर इस बात को ये वायर बॉलिंग शो है जहाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि इस वक्त भाभी अपने मॉर्निंग शो में बिजी होंगी 12 बजे आएगा 12 बजे सुला दी जल्दी हो जाता है मैं जल्दी सुला दूंगा नींद में दो आज दो गोलियां डालूंगा नींद में आज आप एक्सप्रेस बोला केबल निकाल बोला यार आज आ नहीं रहा आज आ नहीं रहा आज एक्सप्रेस नहीं आ रहा वैसे भी अक्सर जो ये होते हैं जो लोग सुबह उठते हैं वो जल्दी सो जाते हैं हाँ, और हमारा शो नहीं देख पाते लेकिन हमारा शो फिर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं 12 बजे तक फिर भी इंसान देख ही लेता लेकिन आपके शो का नाम ही मतलब जैसे चैनल का नाम एक्सप्रेस है ना तो हर बंदा यहाँ आके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है अच्छा जी थैंक यू सो मच यासर बहुत शुक्रिया तुम्हारा तुम आए मेरे शो पर और बड़े मैं चाह रही थी कि तुम आते मेरे शो पर बहुत मजा आया सीरियसली जवेरिया बिल्कुल और महविश बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई साल बाद महविश हर दफा मिलते रहेंगे मिलते रहेंगे थैंक यू सो मच महविश बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी तुम भी बहुत बिजी थी मैं पहली बार आई हूँ मैं भी हम लोग पहली बार आए हैं शो पे एंड एक्चुअली हैड अ लॉट ऑफ फन मैं कोई 2-3 घंटे सोई हूँ रात में लेकिन मुझे इतना मैं फ्रेश हो गई हूँ अभी मुझे शूट पे जाना है एंड आई एम रियली हैप्पी तो थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया थैंक यू दानिश तुम तो आते ही रहते हो तुम तो हमारे घर के बंदे हो मैं आता हूँ मुझे जब भी मैं शो में आता हूँ बड़ा फ्रेश होता है बड़ा अच्छा लगता है और तुम हमें फ्रेश भी करते हो आपका भी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच वाकई बहुत मजा आया और शायद जिंदगी में इतना नहीं हंसा यहाँ एक्चुअली बात है अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता और जिंदगी में कामयाबियों से हम कना रखे आमीन और अब गाना होना चाहिए भाई अफशीन जरूरी है अब आप इतना कौन कह रहा है